दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो पे, जहां पर हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास दो काफी महत्वपूर्ण खबरें मौजूद है। दरअसल हमारी पहली खबर भारत और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अमेरिकी प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अब उनका असर भारत और रूस के संबंधों पर उभर कर सामने आना शुरू हो चुका है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर दो देशों के साथ भारत की एक ऐसी पहली मीटिंग को लेकर है जिसने तीन देशों में पैनिक का माहौल बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई दशकों से रूस भारत का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर देश बना रहा, लेकिन अब इसमें बदलाव देखे जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम है। लेकिन इसमें अमेरिकी प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध भी एक काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भारत ने शुरुआत में ये योजना बनाई थी कि हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हमारी योजनाओं को एक काफी बड़ी टक्कर दी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को काफी इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ा ताकि हम रूस से कोई भी वेपन डील ना करें, जिसके तहत अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को अवॉइड करने के लिए भारत ने कई रूसी हथियारों की खरीद को धीमा कर दिया है। यानी कई ऐसे हथियार जो भारत रूस से खरीदना चाहता था, अब उसे खरीदने में हम देरी कर रहे हैं ताकि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध ना लगा दे, क्योंकि अमेरिका पहले भी भारत को ये बात साफ कर चुका है कि अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए भारत को रूस पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए, ताकि अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस रिलेशन तेजी से डेवलप हो सके। पर भारत अभी तक रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंध संतुलित कर रहा था, लेकिन जिस तरह से रूस और अमेरिका के बीच में तनाव तेजी से बढ़ते जा रहा है, अब इसे देखते हुए भारत ज्यादा लंबे समय तक दोनों देशों के साथ अपने संबंध संतुलित नहीं कर सकता। ऊपर से चीन इस पूरे समीकरण को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, क्योंकि भारत रूस के साथ तो अपने संबंध मजबूत करना चाहता है, लेकिन रूस चीन का एक काफी बड़ा पार्टनर है, जिसे काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप बना रहा है। यानी एक तरफ तो भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ चीन और रूस एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, जो भारत के लिए चीजों को काफी जटिल बना रहा है। वहीं पर हमने देखा है कि जब भारत ने $5 बिलियन से भी ज्यादा की कीमत पर रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया, तब अमेरिका की तरफ से हमें काफी कड़े रिएक्शन देखने को मिले थे। लेकिन भारत के साथ अपने मजबूत होते संबंधों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन युद्ध के बाद चीजें काफी हद तक बदल चुकी है, और अगर अब भारत रूस के साथ बिल्कुल उसी तरह से हथियारों की डील करता रहा जैसे कि हम पहले करते थे, तो इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ हमारे संबंधों में काफी बड़ी परेशानियां आ सकती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा देना ही है, क्योंकि अगर हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो हम इस पूरे झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आकर्षित करना होगा, ताकि देश की प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस सेक्टर में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करे, जिसमें हमें पिछले कुछ सालों में काफी बड़ी सफलता भी हाथ लगी। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत ईरान और आर्मेनिया द्वारा आयोजित की गई पहली पॉलिटिकल कंसल्टेशन मीटिंग है, जिसके तहत भारत और ईरान के प्रतिनिधि आर्मेनिया की राजधानी पहुंचे और तीनों देशों ने साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह के मुद्दे शामिल थे। यहां तक कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि भारत और ईरान ने आर्मेनिया के साथ मिलकर कुछ मिलिट्री मामलों पर भी बातचीत की होगी, जैसे कि अजरबैजान और तुर्की के बढ़ते गठजोड़ को कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में तुर्की एक काफी एक्टिव रोल में नजर आया था, जिसे समर्थन करने के लिए पाकिस्तान ने भी मोर्चा खोल दिया था, और यही वजह है कि आर्मेनिया भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि न कि सिर्फ आज आर्मेनिया भारतीय हथियारों का एक काफी बड़ा खरीदार है, बल्कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमें आर्मेनिया की मदद करनी होगी, जिसकी सहायता से हम तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के एक्सिस को काउंटर कर सकते हैं। और यही वजह है कि ईरान और भारत के प्रतिनिधियों का आर्मेनिया पहुंचना तुर्की को जरा भी पसंद नहीं आ रहा। यहां तक कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत के इस कदम से तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान में पैनिक का माहौल बन गया है। हालांकि पहली बार हुई इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।